ये दोस्तों है मेरा पुराना मंदिर एक तरफ, और आप दूसरी तरफ देख रहे हैं ये है मेरा नया वाला मंदिर। तो आज मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा जो पहला वाला मंदिर मतलब था जो पुराना मंदिर वो कैसा था, और अभी बन के जो जब तैयार हो चुका है तब कैसा है। तो आज पूरा यही वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इससे एक दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला था कि मेरा पुराना मंदिर कैसा है और इस मंदिर को मैं नया बनवा रहा हूँ, तो वैसे ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए कि ये वीडियो जो है मैं बस यूट्यूब के लिए डाल रहा हूँ और कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि जो ये सारे वीडियो हैं इस फ़ोन का स्पेस खाली करने के लिए, और एक यादगार पल रहेगा कि पहले मंदिर मेरा कैसा था, अभी जब बन रहा था और जब बन के तैयार हुआ है तब कैसा है, कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ और यादगार पल के लिए, और कोई बात नहीं। और बस आप लोग देखिएगा भाई कितना अच्छा लग रहा है। और स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। आशा करता हूँ, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आप लोग बस वीडियो साइड में देखते हुए जाइएगा कि जो है मेरा नया मंदिर कैसा है, अब कैसा है, पुराना कैसा था। तो आप लोग साइड में फोटो भी मैं डालता जाऊंगा और वीडियो भी मैं इसमें डालता जाऊंगा, तो देखते जाइएगा। तो भाई पहले जो है वीडियो से शुरुआत करते हैं, कुछ फ़ोटो भी हैं तो मेरे, आप देख सकते हो यहाँ पे कि लाइट का भी जो है काम चल रहा है, और मंदिर जो है चारों तरफ जो है बाउंड्री में जहाँ पर नेह खुदी हुई थी तो वहाँ पर लाइट वगैरह डलवा रही है, वायरिंग हो रही है, जो कंसीड लाइट हैं समथिंग 8 लाइटें पूरी लगी हुई थी चारों तरफ मंदिर में, वो लगवाया था। और उसके बाद में फिर नेव मतलब मंदिर पूरा अच्छे से बनवाया था, जैसे घर बनता है ना वैसे नेव वगैरह खुदवा के, आप देख सकते हो नेव वगैरह भी खुद रही है, बढ़िया चारों तरफ अच्छे से बनवाया गया था। उसके बाद में भाई फिर काम चल रहा है, आप लोग वीडियो में देखते भी जाइएगा, ठीक है। और मैंने भी जो है ना एक दो दिन मतलब जब तक मंदिर बन रहा था ड्यूटी आ रहा था, ड्यूटी के बाद जो भी मेरे पास टाइम था मंदिर में पूरा सहयोग कर रहा था, श्रमदान दे रहा था मतलब पूरा अच्छे से। और जो है ये आप देख सकते हो बीच कुछ मैं भी काम कर रहा था, और ये स्टील का भाई गेट भी लगवाया था। भाई स्टील का गेट में अगर मैं बात कर लूँ तो जो स्टील का इसमें गेट लगा हुआ है वो हमारे घर के बगल में एक आंटी जी है ना, उनके बड़े लड़के ने जो है लगवाया था भाई, तो गेट तो जो है भैया ने वो दिया था अपनी तरफ से। और थोड़ा बहुत जो है कोई एक दो बोरी सीमेंट कोई मोरंग मतलब थोड़ा बहुत वो मतलब अपनी इच्छा से, मतलब किसी से कोई मांगा नहीं था, जिसको जो था वो थोड़ा बहुत दान किया था, और बाकी सब हम लोगों ने अपनी तरफ से सारा कुछ किया, सभी का हेल्प भी था, सबके सहमति से बड़ों के आशीर्वाद से जो है फिर से यह मंदिर बनाए। और जो है दो दो मिस्त्री पड़े हुए थे लगातार काम कर रहे थे, आप लोग वीडियो में देख भी पा रहे होंगे पूरा। तो और पूरा ऊपर से भाई ना पूरा सफ़ा हो रहा था पूरे ऊपर से, ये आप देख सकते हो भाई जब मंदिर बन रहा था ना तो पूरा जो है चारों तरफ रोड के जो है मतलब आधी रोड तो जाम हो गई थी भाई, इतने सारे बांस लगे हुए थे, बांस भाई बहुत सारे आए थे, आप लोग जैसे वीडियो में देख भी पा रहे होंगे मंदिर के चारों तरफ जो है पांड बंधी हुई थी और रस्सी वगैरह बहुत सारी थी, समथिंग 8-10 किलो रस्सी लग गई थी, पटरे बहुत सारे थे और यही सब चीज़ें थी भाई। और फिर भाई टाइल का थोड़ा सा बजट नहीं हो पाया था उस टाइम पे, नहीं तो मैं टाइल भी लगवा देता बाहर, नहीं तो अंदर तो मैं लगवा ही देता, लेकिन भाई आप सभी का आशीर्वाद रहेगा, भोलेनाथ का आशीर्वाद रहेगा भगवान का, तो अंदर और बाहर बहुत जल्द लगवा देंगे, ठीक है। फिलहाल तब तक के लिए जो है मैंने बस ऐसे फर्श करवा दिया था, है ना। और मैं अगर बात करूँ भाई तो जब मंदिर पूरा कम्प्लीट हो गया था तो जो सबसे पहले जो है वाइट सीमेंट डबल कोट वो किया गया था, कराया गया था, थोड़ा बहुत मैंने किया था और एक भैया ने किया था। तो वाइट सीमेंट कराने के, वाइट सीमेंट से भाई ये होता है अच्छे से जो है ना पूरा हो जाता है, मतलब कि पूरा जो सीमेंट होती है पेंट अच्छे से चढ़ जाता है, ये हो गया। फिर उसके बाद में भाई मैं बात करूँ डबल कोट पुट्टी की, तो डबल कोट सॉरी हाँ सिंगल कोट और पुट्टी हुई थी, कहीं कहीं पे डबल कोट हुई थी, बढ़िया वाला पेंट करवाया था। अब तो थोड़ा हल्का हो गया है, समथिंग 2 साल हो गया भाई बने हुए, हाँ, क्योंकि 2 बार से जो है हर शिवरात्रि के दिन जो है वो क्या रामायण होती है एक दिन पहले, और शिवरात्रि के दिन जो है विशाल भंडारा कराया जाता है, ये आप देख भी सकते हो यहाँ पे, जैसे कि लाइट वगैरह लगी हुई है और इधर ये झांकी लगी हुई है जहाँ पे रामायण होती है, टेंट वगैरह लगा है, यहीं पे भंडारा होता है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। लाइन से ये हो गया और काफ़ी अच्छा लगता है भाई पूरा, जब जिस दिन शिवरात्रि होती है तो उस दिन पूरा मंदिर को भाई सजवाते हैं, बढ़िया मतलब पूरे मंदिर को सजवा देते हैं। और ये साइड में भाई घर है अपना, घर के जस्ट सामने ही मंदिर है, और काफ़ी अच्छा लगता है भाई, बहुत सुंदर सा लगता है और बढ़िया लगता है। तो ये है भाई, आप लोग देख सकते हो भाई है ना, लाइट तो भाई अब सब ख़राब हो चुकी है, कुछ बच्चों ने तोड़ दी है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं गाँव मोहल्ले में, तो लाइट तो फिलहाल अभी एक ही दो जलती हैं और सारी फ्यूज हो चुकी हैं, ये हो गया।
तो वही आप भाई देख सकते हो, ये लाइट चारों तरफ ब्लू वाइट ऑरेंज ग्रीन लाइट लगवाया था भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा था भाई, जैसा आप लोग वीडियो में देख भी पा रहे होगे। और भाई एक बार जो है ना, ये सांप वाले आ गए थे भैया, जो आप देख पा रहे होगे, सांप दिखाने आए थे। तो सांप को मैंने कहा चलो मंदिर के अंदर जो है एक बार ले चलो, तो काफ़ी बच्चे हैं पीछे पीछे। तो ये आप देख सकते हो शिवलिंग में लेटाया था उसने, सांप मंदिर के अंदर ले गए थे आप देख सकते हो। ये है भाई वीडियो है। और फोटो अभी लास्ट में ना, लास्ट में मैं कुछ सारी फ़ोटो डाल दूँगा, हाँ पूरा मंदिर का, मतलब स्टार्टिंग से मेरे पास समथिंग 30-35 फ़ोटो हैं। तो मतलब पहले, सबसे पहले मेरा मंदिर कैसा था स्टार्टिंग में, जब घास वगैरह लगी हुई थी ऊपर, पूरी काई लगी हुई थी, और तब की फ़ोटो, जब बीच बीच में बन रहा था तब की फ़ोटो, और जब पूरा कंप्लीट हो गया मेरा मंदिर तब की फ़ोटो। तो सारा कुछ मैं जो है लास्ट में डाल भी दूँगा। और आई होप जो है आपको भाई पसंद आया होगा। और एक मेन मोटिव ये भी है कि जो मेरे मतलब पर बाबा हैं, पापा के पापा उनके बाबा, तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया गया, मतलब बनवाया था। और जो मेरे बाबा थे पर बाबा, वो जो है यहाँ पे मेरे गांव के पूर्व मतलब वो चाहे थे, जैसे आपके समय प्रधान होते हैं, तब ग्राम पंचायत तो जो थे ना मुखिया थे, मतलब पूरे गाँव के होते थे, तो वो थे हमारे यहाँ के जो राजा हैं, उनके साथ में उठना बैठना सब कुछ था बहुत पहले। तो ये सब चीज़ें हैं, तभी का भाई बनवाया गया था मंदिर, है ना। ये आप देख सकते हो, कुछ फ़ोटो वगैरह लास्ट में मैं डाल दूंगा यहाँ पे, स्टार्टिंग से आके तक जो है कितना सारा जो है बना हुआ है भाई, काफ़ी। और भाई देखो ना, पहले भाई कितना ख़राब लगता था, पहले कैसे था, और जब बन चुका है भाई कितना अच्छा लग रहा है, बढ़िया भाई। तो ये भाई जो भी हो पाया, संभव हो पाया है, बस ऊपर वाले भगवान की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से, मेहनत से, सभी के सहयोग से ही ये काम पूरा हो पाया है। और सबके आशीर्वाद से जो है, भोलेनाथ के आशीर्वाद से, हर शिवरात्रि को भंडारा भी होता है, सबसे बड़ी बात यह है, बहुत अच्छा लगता है भाई। ठीक है, अब जो है ना, ठीक है, अब इसमें कुछ करना नहीं है वैसे, अब जो है अब जब बजट होगा तो लाइट फिर से लगवा देंगे, और फिर थोड़ा बहुत पेंट, मतलब 2-3 साल में बस कि एक बार पेंट करवाते रहेंगे, इसी की लाइफ बढ़ती रहेगी। और यही जब ठीक है कि मेरे पर बाबा ने बनवाया था, फिर उनके लड़के बच्चों ने, नाती पोता ने, जो जो भी है, फिर उन्होंने इसका मेंटेनेंस करवाया, तो एक यादगार पल रहता है भाई। बहुत पुराना मंदिर है मेरे गाँव में, सबसे पुराना मंदिर जो है यही है भाई, सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर मेरे गाँव में यही है पूरा, यही मैं पूरा देख रहा था इस वाले फ़ोन में, है ना, यहीं से पूरा मैं कॉर्पोरेट कर रहा था वीडियो का, पूरा फोटो कहाँ पे डालना है, कहाँ पे वीडियो डालना है, इसमें यही मैं दिखा रहा था भाई पूरा। ये देख सकते हो, ये सारी फ़ोटो हैं, सारी फ़ोटो ये देख सकते हो भाई, है ना, ये देखो भाई सारी फ़ोटो निकल रही हैं स्टार्टिंग से आखिर तक। ये देखो, ये देखो भाई कम्प्लीट पूरा मंदिर, है ना, ये देखो भाई, उसके बाद में ये सारे वीडियो आ जाते हैं, ये सारे वीडियो हैं, वीडियो सारे भाई, ये देखो, ये देखो भाई, ये लाइट लग रही है बाउंड्री में, ये सबसे ऊपर जो है, ये देखो भाई सबसे ऊपर है, ये देखो पाल बंधी हुई है, देख रहे हो भाई, ये देखो है ना, ये हो गया सबसे ऊपर भाई, ये देखो बहुत सारे हैं भाई, ये देखो भाई ने जब खुद रही थी नीचे की, ये देखो भाई मंदिर क्या है, चारों तरफ जो बाउंड्री है, ये सब चीज़ें हैं भाई पूरा। चलो ठीक है भाई, अब जो भी है इस व्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। बात करने के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।